अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम कदरी के मोमिन मुसलमान भाइयों को मुहर्रमुल हराम का नया साल मुबारक हो। और इस मौके पर मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इसका मफहूम है, शाह भी हुसैन हैं, बादशाह भी हुसैन हैं, दीन भी हुसैन हैं, दीन को पना देने वाले भी हुसैन हैं। सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में, हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्ला की बुनियाद हुसैन है। तो तमाम मेरे कदरी के मुसलमान भाइयों को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस माह मुबारक की। और आप लोगों से मैं ये एक शहादत के मौके पर अकबरिया मस्जिद में कल यानी कि बरोज़ मंगल 9 तारीख को जहर की नमाज के बाद में मस्जिद अकबरिया के पास हम लोग इस शहादत के मौके पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में फातिहा खानी रखी है। उसमें शीरनी और शरबत का तकसीम करने का प्रोग्राम भी रखा है। तो लिहाजा आप लोगों से मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर आप लोग भी इस फातिहा खानी में शरीक हों और हज़रत हुसैन के नाम से शरबत बांटा जाएगा, तो आप भी इसमें शिरकत हो के इसे फैज़ हासिल करें। और तमाम लोगों को मैं ख़ासकर इस बात का ये इतला देना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरी खुतबे में फरमाया है कि मैं आप लोगों को दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। वो ये है कि एक मेरे आले रसूल मेरी आल है और दूसरा कुरान शरीफ। इन दोनों को अगर थामे रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों से कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हम सहाबा कराम के साथ हम उनके आले रसूल की खिदमत में अगर हम रहेंगे तो उनकी ग़ुलामी में रहेंगे तो हमारी दुनिया भी और आखिरत भी कामयाब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि मुझसे मेरे हुसैन से जो मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। तो इसीलिए लिहाजा मेरे दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों, आपके सामने दरबार शरीफ है हज़रत ज़ैनुद्दीन बाबा शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का। ये वही घराना है, हुसैनी घराना है। तो इन्हीं के खदबों की बरकत से हम आज कामयाब हैं, इन्हीं के ख़दमों की बरकत से आज हम इस काबिल हैं। तो इसी लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ ये सब तुम्हारा करम है आखा कि बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों सुनाएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। और दूसरी बात यह है कि कल बाद असर के ज़हीरुद्दीन बाबा शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कोटागुल दरगाह शरीफ में भी फातिहा का अहतमाम किया गया है। यहाँ पर भी शरबत का तकसीम रखा है फातिहा खानी के बाद में। तो आप लोग भी यहाँ पर भी तशरीफ़ लाएँ इस मुबारक मौके पर और इसमें शिरकत हासिल करें, बरकतें हासिल करें। और अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने घरों के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को बूढ़ों को तमाम को भी इस माह मुबारक महीने के शहादत के इस 10वीं मुहर्रम को आप लोग भी अपने घरों के पास में इसका अहतमाम करें, शरबत बांटें, सारे लोगों को ये दिखाएं कि हम मोहब्बत करते हैं कितना हुसैन से। तो हम हुसैन वाले हैं, आखिरत में भी हमें हुसैन वालों के साथ में ही उठाया जाएगा। तो इन उनकी बातों में ना आएँ, मेहरबानी करके हम आशिक रसूल हैं, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। तो हम सब मिलकर हुसैन की ग़ुलामी में रहें, हुसैन के साथ में रहें, हमारी दुनिया भी और आखिरत भी कामयाब है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।